हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिवर। लिवर इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी लिवर बाई लोब होती है और लिवर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है, इसका रोल कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में है एंड बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है हमारा लिवर और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसाइज करता है। ये सब तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिवर। लिवर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे हमारा लिवर का प्लेस पोजीशन है। हमारे राइट लोब, लिवर की राइट लोब लार्जर होती है देन इट्स लेफ्ट लोब। राइट लोब के ही बिलो गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है एंड एंडोडर्मल ऑरिजिन होता है लिवर का। सारे ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का एंडोडर्मल ऑरिजिन है। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑरिजिन मीजोडर्मल होता है। वेट कितनी होती है लिवर की? 1.5 kg। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट करता है लिवर को, लिवर के दोनों लोब को फैल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट किए हुए है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, फ्रॉम द लेफ्ट साइड यहाँ से डक जाता है एंड द राइट साइड ऑफ द लिवर ज्वाइंट्स टू फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट बना लेता है ये एंड हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ये कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। कॉमन बाइल डक्ट हमारी गॉल ब्लैडर में, हमारा गॉल ब्लैडर ही बाइल को स्टोर करके रखती है। जब भी ज़रूरत होती है तो गॉल ब्लैडर से ही बाइल का सिक्रीशन होता है स्मॉल अमाउंट्स में। एंड देन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का। हिपैटिक लोब्यूल जो है वो पॉलीगोनल होता है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ। इसे हम ग्लिसेंस कैप्सूल कहते हैं। ग्लिसेंस मीन्स ये ग्लोइंग से याद रख सकते हैं, ग्लिसेंस कैप्सूल। द हिपैटिक सेल्स इन द लिवर आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड हिपैटिक सिनुसॉइड्स। अभी डायग्राम में से पता चल जाएगा, हिपैटिक सिनुसॉइड स्पेस होती हैं अरेंज सेल्स के बीच में, उसको हम हिपैटिक सिनुसॉइड्स बोलते हैं। देयर आर कफर सेल्स विच आर फैगोसाइटिक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस फॉरेन पार्टिकल्स। कफर सेल्स जो हैं ये फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी लिवर के लोब्यूल से प्रेजेंट होती हैं। कफर सेल्स अगर कोई डेड सेल रहते हैं होता है अगर, तो कफर सेल्स उसको भी इंगल्फ कर लेती है और वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने नहीं देती है, इसको डिग्रेड होने नहीं देती है। हिपैटिक लोब्यूल ये है एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, ये हमें पेंटागन दिख रहा है, ऐसा ही होता है हमारा हिपैटिक लोब्यूल। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल कॉम्पोनेंट से मिलके हमारा लिवर बना होता है। हिपैटिक लोब्यूल में बहुत सारे सेल्स जो है वो पैरेलली अरेंज रहती है, ऐसे दिख सकता है। सेल्स के बीच में तो स्पेस है वाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर हिपैटिक सिनुसॉइड्स। हिपैटिक सिनुसॉइड्स में भी सेल प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कफर सेल्स फैगोसाइटिक होते हैं, पहले ही बताया गया है। एंड ये जो है हमारी हेक्सागोनल, इसके कॉर्नर्स पे हमारे पास तीन डक्ट्स पाए जाते हैं, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वीन एंड इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। देन जो हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वीन होती है वो कहाँ पे खुलती है, स्मॉल डक्ट्स होके वहाँ पे साइनुसाइड्स में, हिपैटिक साइनुसाइड्स में ओपन होती है। एंड ये हमें दिख रहा है हिपैटिक साइनुसाइड्स किस में ओपन होता है, हिपैटिक साइनुसाइड सेंटर में ओपन होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वीन, ये इसको बोलते हैं हम लोग, सेंटर में ये ओपन होता है। यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल वीन प्रेजेंट होता है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वीन, बहुत सारे ब्रांच से मिलके बना होता है। हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वीन एंटर इनटू द लिवर एंड डिवाइड टू फॉर्म मेनी ब्रांचेस विच आर फाउंड एट एंगुलर पार्ट ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल एंड ओपन इनटू द हिपैटिक साइनुसॉइड्स। ये सब हिपैटिक साइनुसॉइड्स में खुलती है। द ब्रांचेस ऑफ द हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वीन एंड इंटरलोबुलर बाइल डक्ट आर कॉल्ड पोर्टल ट्रायड। इन तीनों को एक साथ मिला के कंबाइनली हम पोर्टल ट्रायड से रिफर करते हैं। ऑल द साइनुसॉइड्स ओपन इनटू सेंट्रल वीन। सारी साइनुसॉइड्स किस में खुल रही हैं, ये इसमें सेंट्रल वीन में ओपन होती है। ऑल द सेंट्रल वीन कंबाइन टू फॉर्म हिपैटिक वीन। अब ये सेंट्रल वीन क्या बनाएगी, ये हिपैटिक वीन बनाएगी। हिपैटिक वीन ओपन्स इनटू द इन्फीरियर वीना कावा।
अब ये हमारी वीना कावा में खुलेगी। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल है, मल्टीपल रोल प्ले करता है हमारा लिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बाइल जूस में। बाइल जूस येलोइश ग्रीन कलर का होता है और बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। बाइल सॉल्ट का ये फंक्शन है, ये फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बाइल प्रिवेंट करता है फूड के डिकम्पोजिशन होने में। डिकम्पोज नहीं होगा फूड, बाइल उसे फूड को बचा के रखेगा, और हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बाइल प्रोटेक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चार तरीके से करवा सकता है हमारा लिवर। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस होना। ग्लाइकोजेन हमारी ग्लूकोज से बनेगी तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजेन का टूटना। ग्लाइकोजेन विल डिकम्पोज टू फॉर्म ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे होगा, ई की जगह पे आर हो गया, मिसप्रिंट। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज का किस चीज़ से बनना होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट कॉम्पाउंड से ग्लूकोज के बनने को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस मीन्स सिंथेसाइजिंग ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये सारे तो बिल्कुल एक जैसे टर्म है, लेकिन ग्लाइको से हमें याद रखना है कि ग्लाइको रिलेटिंग टू ग्लाइकोजेन एंड ग्लूको रिलेटिंग टू ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे ब्लड में जो फ्लूइड है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में लिवर हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन विल इंक्लूड क्या चीज़ होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन मेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। तो ये कहाँ पे से बनेगा, ये हमारे लिवर से बनता है सिंथेसाइजिंग प्लाज्मा प्रोटीन। देन द डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन में भी हेल्प करता है हमारा लिवर। और यूरिया मीन्स कि जो बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हटाएगा। ये किस साइकिल के थ्रू हमारा यूरिया बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथ्रीन साइकिल। और डी अमाइनेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड से अमोनिया बन जाता है। तो ये ज़्यादा टॉक्सिक को कम टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो कि ज़्यादा टॉक्सिक है उससे यूरिया बनाता है जो कि लेस टॉक्सिक है। स्टोरेज ऑफ फैट्स। फैट्स को स्टोर करवा के रखने में हेल्प करता है कौन, हमारा लिवर। ये लेकिन पूरे फैट्स को तो स्टोर करके नहीं रखता है, क्योंकि डी अमाइनेशन भी करवाता है, इमल्सिफिकेशन भी करवाता है फैट्स का, क्योंकि बाइल प्रेजेंट है। तो स्मॉल अमाउंट्स में फैट्स स्टोर करके भी रखेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म में तो हेल्प करता ही है ये। और हम इससे और क्या चीज़ रख सकते हैं फैट स्टोरेज में, जब अल्कोहलिक जो इंसान अल्कोहलिज्म अल्कोहल पीता है ज़्यादा ज़्यादा, अल्कोहलिक सिंड्रोम उसे कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है उसके लिवर में फैट स्टोर्ड हो जाता है, फैटी लिवर बन जाता है। उससे हम लोगों का उन लोगों का लिवर सिरहोसिस कहा जाता है उसको। अल्कोहल के वजह से क्या होता है, लिवर सिरहोसिस होता है, लिवर डैमेज होता है। और प्रॉपर्टी है हमारी लिवर की, लिवर रीजेनरेट कर सकता है, बट इफ़ लेस देन 51% ऑफ लिवर इज़ डैमेज। अगर 51% से भी ज़्यादा हो गया, आधे से ज़्यादा डैमेज है, तो क्या होगा, तो लिवर फॉर फेलियर हो जाएगी, और लिवर फेलियर से इंसान रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, डेथ हो जाएगी, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स और बहुत सारे डीअमाइनेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स सब लिवर ही सिंथेसाइज कर रही है। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, ये दो दो बार ये पॉइंट हो गया है, सेम थिंग। यूरिया साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्निथ्रीन साइकिल। देन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सिंथेसिस करवाती है, मीन्स विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम है बीटा कैरोटीन। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ये कैसे बनता है हमारे पास, लिवर जो है वो बीटा कैरोटीन को
विटामिन ए बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट कर देती है। और विटामिन ए हमें क्या चीज़ से मिलता है, येलोइश फ्रूट से मिलता है, जो फ्रूट येलो अपीयर होते हैं उससे मिलता है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन ए अगर बॉडी को कम मिले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, जो कि बनते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में लिवर कन्वर्ट करता है। और जब नॉन टॉक्सिक हो गया तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, इसमें भी हेल्प करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, स्टेज में क्या देखा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब ही लिवर में बन रहा होता है, लिवर से बन रहा होता है। योग सिंथेसिस, योग सिंथेसिस भी लिवर से ही होता है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स लिवर सिंथेसाइज करता है, जिसके अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी लिवर सिंथेसाइज करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ये सब लिवर सिंथेसाइज करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे 1, 2, देर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें से 1, 2, 5, 7, 9 एंड 10 ये लिवर सिंथेसाइज करता है। मीन्स इफ द लिवर इज डिजेनरेटेड, डिस्ट्रॉयड और हार्म्ड, तो क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज नहीं होगी, तो ब्लड विल फ्लो, की फ्लोइंग, अगर थोड़ा सा भी कट हो जाएगा तो ब्लड विल रिमेन बी की रिमेन फ्लोइंग थ्रू आउट थ्रू आवर बॉडी, एंड एक्सेस ऑफ ब्लड का लॉस हो जाएगा। लिवर स्टोर्स विटामिन ए डी ई के एंड विटामिन B12। ए डी ई के विटामिन B12 को लिवर स्टोर करके रखता है। एंड देन द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल को भी लिवर स्टोर करके रखता है, जैसे कि आयरन को, कोबाल्ट को, कॉपर को, जिंक को, मेलिडोनियम को। और सबसे ज़्यादा गुड सोर्स क्या चीज़ है, लिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, आयरन को बहुत ज़्यादा ही स्टोर करके रखता है ये। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू एवरी वन, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।